आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सोलर पावर प्लांट का या सोलर एनर्जी का बिजनेस शुरू करना है तो आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हो तो मार्केटिंग का स्किल होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केटिंग के साथ ही आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच सकोगे, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकोगे और अपना प्रोडक्ट अपना सेल कर सकोगे। आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। आप ईमेल डाल सकते हैं, आप जितने भी आपके पुराने कस्टमर हैं या नए कस्टमर आने वाले हैं उनको आप ईमेल डाल सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि सोलर वाटर हीटर होटल इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, आप सारे जितने भी आपके इलाके में, अगर आप हिमाचल प्रदेश में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, जहाँ भी हो, आपके नियर बाय या आप नियर बाय इलाकों के जितने भी होटल हैं उनकी वेबसाइट से आप उनकी ईमेल आईडी ले सकते हो और उनको ईमेल डाल सकते हो, अपना ब्राउचर डाल सकते हो ईमेल, अपने कंपनी के बारे में बता सकते हो, आप उनको ईमेल डाल के ये बता सकते हो कि वो आप सोलर वाटर हीटर प्रोवाइड करते हैं, सोलर पावर प्लांट प्रोवाइड करते हैं। इस तरह आप इस ट्रिक से आप उनको ईमेल कर सकते हो। अगर उनका टेलीफोनिक नंबर भी है तो आप एक टेलीकॉलर रख सकते हो, जो कि टेलीकॉलर क्या करेगा, एक एक होटल वाले को या एक एक बेनिफिशियरी को कॉल करेगा और उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, सोलर वाटर हीटर के बारे में बताएगा, सोलर पावर प्लांट के बारे में बताएगा। तो ये दो एक बहुत ही मेजर मार्केटिंग ट्रिक्स हैं जैसे आप जिससे आपकी अपने 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 प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्लेस पे बेच सकते हो। और साथ ही साथ आप फेसबुक पे भी अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। आप होर्डिंग बोर्ड्स होते हैं, जो होर्डिंग बोर्ड्स आप बस स्टैंड के आसपास इलाकों में लगा सकते हो, जहाँ पब्लिक एरिया ज़्यादा रहता है वहाँ लगा सकते हो, जैसे कि कैनोपी होती है एक, जैसे कोई सब्जी मंडी है वहाँ पर लगा सकते हो, अपने लोग सब्जी मंडी में जो लोग आते हैं उनको बता सकते हो कि सोलर वाटर हीटर लगाओ, सोलर पावर प्लांट लगाओ, या छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं होम लाइटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में आप उनको बता सकते हो कि वो सोलर वाटर हीटर या सोलर पावर प्लांट, होम लाइटिंग सिस्टम, छोटे प्रोडक्ट खरीदें आपसे। और साथ ही साथ आप न्यूज़पेपर में भी ऐड दे सकते हो, न्यूज़पेपर में ऐड दे के आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ लीड्स को ही क्रैक करेंगे। और आप लोकल टीवी चैनल्स जो होते हैं उनमें आप ऐड दे सकते हो, और जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनमें आप कैनोपी या एक होर्डिंग बोर्ड्स भी लगवा सकते हो, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लीड्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और साथ ही साथ आप अपने जो फ्रेंड रिलेटिव्स हैं उनको भी आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हो, ताकि वो उनको भी पता चले कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपके आप ऐसे कस्टमर को बता सकते हैं कि जो आपकी छत है वो टोटली वेस्ट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वो बिल्कुल फ्री पड़ी हुई है। अगर आप उसके ऊपर सोलर पावर प्लांट लगा देते हैं, अगर आप उसके ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो वो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके देगा, जो एक फ्री स्पेस पड़ी हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको एक पैसे बनाने का एक साधन बन जाता है। तो एक फ्री स्पेस आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बना के देगी, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको कम दामों में आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के देगी, और वो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी होगी और सेफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, और जो आपको बड़े बहुत ही कम दामों में मिलेगी और क्लीन एनर्जी होगी, और जो कोई भी हार्मफुल नहीं होगी हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे यंग जनरेशन के लिए भी आल्सो। साथ ही साथ क्या है कि जो ऑफर्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मेल डाल सकते हो, सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, और आप एक्साइटिंग ऑफर्स भी आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने नियर बाय न्यूज़पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया पे ऑफर्स आप इस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं कि ऑफर्स आप ऐसे दे सकते हैं कि वन बाय वन गेट वन फ्री, या आप अगर आप सोलर 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलेगा। ऐसे एक एक्साइटमेंट वाले गिफ्ट आप कस्टमर्स को दे सकते हैं, ताकि जो कस्टमर हैं वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकें और अपने घरों पे सोलर पावर प्लांट या सोलर वाटर हीटर लगा सकें।